ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सड़कों पर, ये जानने के लिए कि पॉल्यूशन की वजह से लोगों को कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली के नजदीक आते ही पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इस बार भी कुछ कदम उठाए हैं, तो आइए जानते हैं पॉल्यूशन की कहानी लोगों की जुबानी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली में प्रदूषण जो फैल रहा है उसकी कम करने की जिम्मेदारी जो है अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली सरकार की है, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए? अब आजकल जैसे देख रहे हैं रेड लाइट्स पे काफ़ी इनके वॉलेंटियर्स जो हैं होमगार्ड बने हुए हैं, और स्विच ऑफ वगैरह पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कार्स वगैरह और व्हीकल्स को सबको ऑफ करा रहे हैं रेड लाइट पे। ये एक अच्छा स्टेप है जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। माइनर भी पॉइंट है कि थोड़ा थोड़ा करके ही देखो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं तो ये भी काम आएगा, ये एक पॉइंट। तो आपको क्या लगता है लोग फॉलो कर रहे हैं अभी? देखो अब अगर वॉलेंटियर खड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी फॉलो करते हैं, बिकॉज इन लोगों को ड्रेसेस दी हुई हैं। ड्रेसेस को देख के तो हर एक कोई कहता है कि पुलिस वाला खड़ा हुआ है चालान ना काट दे, तो लोगों के अंदर एक डर भी है। सरकार ने जो नई स्कीम निकाली है अभी रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ, क्या आपको लगता है उससे प्रदूषण कम होगा? हाँ मैडम, कुछ हद तक तो कम होगा, लेकिन कोशिश तो जारी रहेगी, उसे कम हो सकता है इससे। तो आपको लग रहा है कि लोग ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं? हाँ मैम, कुछ काफ़ी लोग हद तक कर रहे हैं, काफ़ी लाइटों पे गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं और ठीक है वैसे। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ पटाखों पर रोक लगाने से आपको लगता है कि प्रदूषण रुक जाएगा? नहीं, प्रदूषण रुकेगा नहीं कि, लेकिन काफ़ी हद तक कम तो होगा। अब उसके अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। आप ये भी तो देखिए कि पटाखे तो हम सिर्फ दिवाली के टाइम पर जलाते हैं, आपको क्या लगता है कि रेड लाइट पर जो एक स्कीम निकाली गई है कि रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ, तो आपको लगता नहीं है कि वो स्कीम अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो उससे भी प्रदूषण का लेवल कम होगा? हमें हर प्रकार से कोशिश करनी चाहिए प्रदूषण से कम करने के लिए। सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पटाखों पे रोक लगाइए। तो अभी जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इससे आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? मैडम दिक्कत तो बहुत है, सांस लेने में दिक्कत है, ठीक है, सेहत पे भी हानिकारक पहुँच रही है, इससे बहुत प्रॉब्लम है। हम तो यही चाहते हैं कि दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म हो जाए, ठीक है। हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके अपना जो है कि दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म करें। इससे क्या होता है कि सेहत पे हमारे हो गए, बच्चे के भी हो गए, और भी लोग हैं, बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सके हम तो यही कहेंगे कि दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म हो। तो आपको क्या लगता है इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, जनता या सरकार? मैम इस चीज़ पे तो सरकार को ही सोचनी चाहिए ना, जनता क्या कर सकती है इसमें? जनता तो फील्ड में निकलेगी निकलेगी, रोटी जनता अपना कमाने तो निकलेगी निकलेगी, उनके तो बस में है ही नहीं कि कोई प्रोजेक्ट लगाए, ठीक है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि यहाँ दिल्ली के अंदर में इतने ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो कोई प्रोजेक्ट लगाए, कोई मशीनिंग लगाए जिससे जो है कि अपना पोल्यूशन कम हो, ठीक है ना। हम तो सरकार को ही बोलेंगे ना कि सरकार इस पर ध्यान दे। प्रदूषण का नाम लेते ही जिस शहर का नाम सबसे पहले आता है वो है दिल्ली। लॉकडाउन होते ही दिल्ली का प्रदूषण बहुत कम हो गया, पर अनलॉक होते ही दिल्ली का प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा, जिसके कारण दिल्ली वालों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन काव्या के साथ खुशबू काबरा, दिल्ली दर्पण टीवी।